करते हैं आज हम नया टॉपिक फंक्शंस। हैंडआउट्स अवेलेबल हैं आपके पास? क्लास 5 पे नंबर 10 ऑफ 22। मिल गया डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर्स में कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट्स एज अ पीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट। ये कंप्लीट पीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट के तौर पर एग्जीक्यूट होता है। फंक्शंस क्या है? इन्वोक एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये कंप्लीट इस एक्सप्रेशन का सिर्फ एक पार्ट होगा। पार्ट क्या होगा? अभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये ऑप्शन लिया था, क्लास 13 है ये हमारी, इसमें हमने कोडिंग की थी। अभी लास्ट जो हम देख रहे थे ये कोड था हमारा। आप एक टेबल नंबर देंगे, टेबल का नेम देंगे ईएमपी या डीपीटी, तो ये आपको उस ईएमपी या डीपीटी की आईडी जनरेट करके दे देगा। ठीक है? अच्छा, इस आईडी को लेकर फिर हमने एक प्रोसीजर क्रिएट किया। ये रहा प्रोसीजर। क्या हो रहा था? व्हेन डुप्लीकेट ऑन इंडेक्स, अगर आप कोई डिपार्टमेंट का नंबर डुप्लीकेट देते हैं, 10, 20, 30 आपके डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, आपने अगर 30 दिया, डुप्लीकेट का एक्सेप्शन रेज हो गया। एक्सेप्शन रेज होते ही हमने क्या किया, इस प्रोसीजर को कॉल कर दिया। बेसिकली ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ना, यही कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर का। कभी आपको कोई डीएमएल स्टेटमेंट या इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए आपके पास दो स्टोर इन्फॉर्मेशन है, या तो प्रोसीजर है या फंक्शन है। आप परफॉर्म किससे करेंगे? आप परफॉर्म करेंगे उस स्टेटमेंट को प्रोसीजर के थ्रू, जिससे आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए कोई और सब कोड आपको चाहिए हो, जो आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, जो कि हमारा प्रोसीजर भी कर रहा था, तो बेसिकली प्रोसीजर का मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, वैल्यू रिटर्न करना नहीं होता। अगर ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी थ्रू फंक्शन। मैक्स मैक्स ऑफ ईएमपी एनो गेट करते हैं आप। लो से आपने चेक किया कि जी हमारे पास लो सेल कौन सी है, हाई सेल कौन सी है। ठीक है जी, लो सैलरी, हाई सैलरी, मिनिमम मैक्सिमम का फंक्शन यूज करते हैं इसके लिए। इसके अलावा आपने काउंट यूज कर लिया, सम यूज कर लिया, ये सब क्या है? ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि टू रिटर्न अ वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट जिससे आपको कोई वैल्यू गेट करनी है ना, तो उस वैल्यू गेटिंग के लिए सबसे अच्छा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा फंक्शन। ओरेकल भी इसी को रिकमेंडेड करता है कि अगर रिटर्न टाइप की कोई आपको स्टेटमेंट परफॉर्म करवाना हो, रिटर्न टाइप की वैल्यू चाहिए हो, तो उसके लिए आप प्रोसीजर क्रिएट नहीं करें, उसके लिए आप क्रिएट करें एक फंक्शन। जिस तरह के उसने खुद ओरेकल सर्वर ने खुद आपको मैक्स, सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह के बिल्ट इन फंक्शन जनरेट करके दिए हैं। वो प्रोसीजर नहीं है, वो फंक्शन है, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं। लिहाजा किसी भी स्टेटमेंट को अगर परफॉर्म करना है, तो स्टेटमेंट परफॉर्म करने के लिए तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा? प्रोसीजर। लेकिन उसकी एक्यूरेट परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई आपको सब कोड चाहिए हो, तो एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के लिए आप एक फंक्शन जनरेट करेंगे। सही? लिहाजा अगर फास्टर परफॉर्मेंस आपको चाहिए,
तो आप आईडी जनरेट करने के लिए प्रोसीजर यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एक फंक्शन करेंगे, क्योंकि फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी रिटर्न टाइप होती है। क्लियर। नंबर टू पे कह रहे हैं डू नॉट कंटेन रिटर्न क्लॉज इन द हेडर। इसके हेडर में रिटर्न क्लॉज नहीं होती। यहाँ हमने कहा क्रिएट और रिप्लेस एड अंडरस्कोर डीपीटी, पैरामीटर डिफाइन कर दिया और इसके बाद लिखा इस और बाकी हमारा कोड स्टार्ट हो गया। इसमें कहीं पर भी रिटर्न क्लॉज अवेलेबल ही नहीं है, जबकि फंक्शन के हेडर में मस्ट रिटर्न टाइप होती है। विदाउट रिटर्न टाइप आप फंक्शन क्रिएट कर ही नहीं सकते। अगर मैक्स नंबर आप ले रहे हैं, मैक्स नंबर अगर टेबल में कुछ भी नहीं है तो नल है, लेकिन वो आपको एरर नहीं देगा, नल वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। है अवेलेबल, एक ही है तो वही वैल्यू होगी, और अगर मल्टीपल है तो दो हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो आपको रिटर्न कर देगा, रिटर्न जरूर करेगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो प्रोसीजर के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोसीजर के हेडर के अंदर रिटर्न क्लॉज इंक्लूड नहीं होती, जबकि फंक्शन विदाउट रिटर्न क्लॉज क्रिएट ही नहीं होता। इसको भी हम क्रिएट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हम कहां कहां रिटर्न को यूज कर रहे हैं। सही। थर्ड पे कह रहे हैं कि कैन रिटर्न वैल्यू इफ एनी इन आउटपुट पैरामीटर। प्रोसीजर आपको आउटपुट रिटर्न वैल्यू दे सकता है, लेकिन कब देगा? जब उसके हेडर में आपने कोई आउट मोड पैरामीटर यूज किया हुआ, ठीक, जो कि कंपलसरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है आपके सिनेरियोस के ऊपर। शायद आपको याद हो जिस टाइम हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया था तो नॉन पैरामीटराइज प्रोसीजर बनाया था, उसमें तो पैरामीटर ही नहीं था, तो डिपेंड करता है तो आपके सिनेरियो के ऊपर कि आपको इन मोड चाहिए, विदाउट पैरामीटराइज चाहिए, इनके साथ आउट है, या दोनों का कम्बिनेशन है। क्लियर। जबकि मस्ट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, कि जबकि उसके हेडर में रिटर्न क्लॉज होती है तो वो एक आपको रिटर्न वैल्यू मस्ट करेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि टेबल में कुछ नहीं है तो नल वैल्यू होगी, लेकिन रिटर्न जरूर होगी, वो आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी रिटर्न ना करे, रिटर्न करेगा जरूर, कुछ नहीं है तो नल होगा। है सेम वैल्यू है तो एक ही वैल्यू आएगी, डिफरेंट है तो मिनिमम मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको रिटर्न कर देगा। फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू बनता ही नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपको रिटर्न टाइप चाहिए है तो आप उसके लिए फंक्शन ही बनाओगे, प्रोसीजर नहीं बनाओगे, और अगर नहीं चाहिए तो आप प्रोसीजर से स्टेटमेंट परफॉर्म कर लें, ठीक। विदाउट रिटर्निंग क्लॉज फंक्शन क्रिएट नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनकेस आपने गलती से ना भी लिखा ना तो आपको खुद कह देगा फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप। कह रहे कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट अ वैल्यू। कंटेन कैन कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट, एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है विदाउट अ वैल्यू, बगैर किसी वैल्यू के रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है। कह रहे मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन इसके अंदर कम से कम एक तो जरूर होगा, एटलीस्ट वन रिटर्न स्टेटमेंट जरूर होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल को आपने कन्वर्ट एक ही फॉर्म में करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म का सिनेरियो मेरा ये है कि जिस दिन पीएल की फर्स्ट क्लास थी तो हमने डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट का पैकेज देखा था, जिसको हम बाद में एम परसेंट से डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो वो भी यही कहता है कि जब डिस्प्ले कर रहे हो ना तो एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट को डिस्प्ले करें इस मेथड के साथ, एक स्टेटमेंट, और अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आप उसको कॉन्केट करके एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सही। अब यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक वेरिएबल है और एक आपके पास हार्ड कोडेड वैल्यू है, लेकिन आपने जब कॉन्केट किया तो ये मिलकर एक सिंगल यूनिट क्रिएट हो गया, लिहाजा फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन जब आप उसको रिटर्न क्लॉज में इंक्लूड करेंगे तो उसको वन यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो ये आपके पास मेजर डिफरेंस है, बाकी ये थ्योरीज के अंदर और भी अवेलेबल है, इसको आप टाइम टू टाइम देखेंगे, लेकिन ये कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो थ्योरी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और थ्योरी बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर भी हो जाती है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या रहे हैं। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन में करेंगे क्या कि हमने जो एक आईडी जनरेट करी थी ऑटो, वो आईडी अब हम एक फंक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है,
क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन सेम सिनेरियो है जैसा प्रोसीजर था. गेट अंडरस्कोर यूके अंडरस्कोर आईडी, रिटर्न क्या करेगा ये आईडी की डेटा टाइप कैसी होगी, नंबर होगी, वर्चर होगी, नंबर होगी. तो डेटा टाइप नंबर, आपको यहाँ पर इसकी डेटा टाइप बतानी होगी कि वैल्यू जो रिटर्न करेगा किस टाइप में रिटर्न करेगा. तो यहाँ हमेशा ऑलवेज रिटर्न क्लॉज होती है लेकिन डेटा टाइप के साथ, वैल्यू के साथ नहीं होती. डेटा टाइप आपने डिफाइन करनी है और ये डिफरेंस आपने देख लिया जब भी वर्डिंग आई थी, मस्ट कंटेन रिटर्न क्लॉज इन द हेडर. यहाँ हेडर के अंदर ये स्टेटमेंट मस्ट होगा. क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, रिटर्न और रिटर्न की टाइप. इसके बगैर फंक्शन क्रिएट ही नहीं होता. हालांकि हमने कितने प्रोसीजर्स क्रिएट किए उसे कभी भी हेडर में ये रिटर्न क्लॉज यूज़ नहीं की, वहाँ सिनेरियो ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होता. क्या फंक्शन है ये, हमने कहा एक वेरिएबल ले लिया मैक्स आईडी, डेटा टाइप कैसी होगी ईएमपी कॉल टेबल के ईएमपी एनओ जैसी होगी, पर्सन टाइप, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी जीरो. बिगिन में आ गए, बिगिन में आने के बाद हमने इसको कहा कि क्या करो आप सिलेक्ट मैक्स ऑफ ईएमपी एनओ प्लस वन इंटू मैक्स अंडर स्कोर आई डी फ्रॉम स्कॉट डॉट ई एम पी, हाइस्ट नंबर गेट करेगा और प्लस वन करके मैक्स आई डी को आप प्रोवाइड कर देगा. रिटर्न क्या रिटर्न करो, मैक्स अंडर स्कोर आई डी, ये रिटर्न क्लॉज है. ठीक, आपने कहा कि हम रिटर्न क्या करेंगे, नंबर टाइप, तो नंबर टाइप की वैल्यू क्या होगी वही रिटर्न क्लॉज के साथ, कि जो वैल्यू आपने गेट की मैक्स आईडी के अंदर आप उसी को रिटर्न भी कर दो आप. और यहाँ पे हमारे फंक्शन का एंड, सही, फंक्शन क्रिएटेड. ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि आप किसी भी प्रोसीजर को विद इन सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते. ठीक, जबकि मैक्स सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम इसको आपने हमेशा एसक्यूएल में क्यूरी में ही यूज़ किया होगा. इसका मतलब ये कि फंक्शन को आप विद इन सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, प्रोसीजर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेलेक्ट के स्टेटमेंट भी तो एक वैल्यू रिटर्न कर रही होती है, डेटा फैच करती है. इवन डेटा नहीं मिला तो मैसेज आता है नो रो सेलेक्टेड, डेटा ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन फैचिंग तो थी, रिटर्न वैल्यू तो है. और यही कौन सा फंक्शन के लिए भी है, रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करेगा. हमने कहा सेलेक्ट क्या करे, गेट अंडरस्कोर यूके अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम दी वैल्यू, कह रहा है ये आपकी न्यू आईडी. ये हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया सेलेक्ट की क्यूरी. क्लियर, रिजल्ट अगर आप कंपेयर करें तो बजाहिर तो रिजल्ट वही है जो आपने प्रोसीजर से क्रिएट किया था रिटर्न टाइप का. और सम सिनेरियो में होता यही है, प्रोग्रामर यूजर्स स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि दोनों एक ही चीज़ें तो हैं, फंक्शन प्रोसीजर में फ़र्क ही क्या है. उसमें भी आउट मोड था, वो भी वैल्यू हमको रिटर्न करता था, ये भी यही टास्क कर रहा है. अब देखें ना, ये जो हम प्रीवियस क्लास थी तो इसमें ये टास्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये मौजूद है टास्क, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, न्यू आईडी, टेबल नेम आप दें इसको और ये आपको आउट करेगा. वो जो आउट वैल्यू देगा वो हमारा यहां पे रिटर्न कर रहा है. ठीक है, क्या करो, एक मैक्स आईडी जनरेट करो, टेबल नंबर अगर ईएमपी है तो ईएमपी से आईडी जनरेट कर लो, अगर डीपीटी है तो डीपीटी जनरेट कर लो. और जो भी आईडी जनरेट करी किसको असाइन करो आप, आईडी को. यहां हमने अभी यूज किया रिटर्न मैक्स आईडी और यही वैल्यू लेकर वो आउट पैरामीटर से आउट चलाएगा.
सेलेक्ट की स्टेटमेंट प्रोसीजर में अंदर यूज़ हो रही है, कॉलिंग में यूज़ नहीं हो रही। प्रोसीजर को कॉल करने के लिए आपने एग्जीक्यूट किया था, इनोमिस क्रिएट किया था या अदर प्रोसीजर में कॉल किया था। कभी आपने ऐसा नहीं किया कि सेलेक्ट न्यू अंडरस्कोर आईडी वन फ्रॉम ड्यूल, ये स्टेटमेंट कभी भी यूज़ नहीं किया। प्रोसीजर सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ नहीं होता, प्रोसीजर के अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज हो सकता है, जैसे कि यहां पर मल्टीपल टाइम हो चुका है। ठीक है, बात क्लियर हो रही? अच्छा, इसी को लेते हैं अब। ये हमारा कोड है, वो भी आईडी जनरेट कर रहा था, ये भी आईडी जनरेट कर रहा है। यहां से हमने ये कोड गेट किया और इस प्रोसीजर को कन्वर्ट करते हैं हम फंक्शन के अंदर। एक डेवलपर का क्राइटेरिया ऐसा भी है जो फॉर्म्स पे रिपोर्ट पर बहुत खुशी खुशी काम करते हैं, लेकिन अगर उनको आप पीएल दे देना तो प्रोसीजर फंक्शन का नाम सुन के घबरा जाते हैं। और हालांकि आप ये देखें, मैं बार बार आपको कन्वर्जन करके दिखा रहा हूँ कि आप कन्वर्ट करना भी सीख लें और डिफरेंस भी देख लें कि जो सर पे जो पहाड़ बना लेते हैं ना, पहाड़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी फिंगर्स का और आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हैं और कुछ भी नहीं है। अब यही प्रोसीजर था हमारा, और आपने देखा होगा कितने इनोमिस ब्लॉक को हमने कन्वर्ट किया था प्रोसीजर्स के अंदर, सिर्फ हेडर ही तो चेंज किया था उसका, बाकी कोड तो वही था। और आपको अगर पीएल सीखनी है तो पीएल सीखने के लिए तीन ही स्टेप हैं, इनोमिस ब्लॉक, प्रोसीजर, फंक्शंस, बस यही पीएल है। सारी लॉजिक इसी पे डेवलप होती है, फिर आगे इसी के फ्यूचर बन जाते हैं। फंक्शंस के आगे पीएल आपकी ख़त्म हो चुकी, फिर इसके फीचर्स आने शुरू होंगे आगे। आपको जितनी लॉजिक बनानी है, इतनी कन्वर्जन करनी है, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वो इन तीन ब्लॉक में ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। आगे फिर इन्हीं का कॉन्सेप्ट्स है, इन्हीं को ले लेके हम नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए टॉपिक्स, नए फीचर्स हमारे सामने आएंगे। ये हमारे पास था प्रोसीजर, हमने कहा कि प्रोसीजर को आप यहाँ से हटाओ, इसे हमें कन्वर्ट करना है फंक्शन में। नेम क्या होगा? न्यू आईडी, तो इसको आप कह लें न्यू ईएमपी अंडरस्कोर आईडी वन हटा दें, ये हमारे फंक्शन का नेम होगा। टेबल अंडरस्कोर नेम, टेबल नेम आपसे गेट करेगा क्योंकि हम दो आईडी, दो टेबल को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ फंक्शन में आउट मोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन जो है वो आउट मोड पर नहीं कर रहा होता, बल्कि रिटर्न टाइप पर वर्किंग कर रहा होता है। तो वो आउट मोड को हमने रिमूव किया, उसके बजाय क्या कर दिया? रिटर्न क्लॉज लगा दी। रिटर्न क्या करेगा? ये नंबर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। सही बात क्लियर हो रही? ये आपसे टेबल नेम लेगा, क्योंकि हमें दो टेबल की आईडी जनरेट कर रहे हैं ना, एक ईएमपी से, एक डीपीटी से। अगर एक ही जनरेट कर रहे होते फिर तो टेबल नेम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मल्टीपल टैब की आईडी जनरेट कर रहे हैं तो फिर ये बताएंगे किस आईडी की, किस टेबल की आईडी चाहिए आपको, इनपुट दे। रिटर्न में कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, डेटा टाइप वर्ड चार हो, नंबर हो, डेट टाइप हो, या एक टाइप हमारे पास बुलियन भी होती है, आज तक इस्तेमाल नहीं किया हमने। आज कल कौन सा रिकॉर्ड और टेबल बनाया था? पर्सन टाइप की बात कर, इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर। रिटर्न जो है ना डेटा टाइप होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई एरे नहीं होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ मैंने कोई वेरिएबल का नेम मेंशन नहीं किया, हालांकि इससे पहले जो आउट मोड था वहाँ पर आईडी इस्तेमाल हो रहा था। तो रिटर्न जो है ना टाइप होती है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होता। टाइप क्या होगी? बस यही हो सकती है, या तो बुलियन होगी, वर्चर होगी, नंबर है या डेट है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। ठीक, वो जो आपके पास वैल्यू थी जिसको आप कह रहे हैं इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर, तो आपको शायद याद हो इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर के अंदर हम एक टेबल रिकॉर्ड्स की सीक्वेंस शो कर रहे थे। तो अगर वो आप इस फंक्शन से गेट करना चाहते हैं, बहरहाल अभी का टॉपिक नहीं है वो, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो उसको आप कंप्लीट एक स्टोर करवाएंगे वेरिएबल में।
फर्स्ट रिकॉर्ड लेकर आया, ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर, पूरा होल रिकॉर्ड उसको आपने स्टोर कर दिया एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर वर्चर में। सेकंड रिकॉर्ड लाया उसको भी रिमूव पेस्ट कर दिया, थर्ड लाया उसको भी पेस्ट कर दिया। जब सारी पेस्टिंग हो गई तो एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, वो वेरिएबल कौन सा होगा, वर्चर वेरिएबल होगा। तो यहाँ डेटा टाइप भी वर्चर आ जाएगी, वो इस फॉर्म में कॉल होगा। तो यहाँ जो है ना ऑब्जेक्ट का नेम नहीं आता, ऑब्जेक्ट की टाइप आती है। टाइप का मतलब डेटा कैसा होगा, नंबर में होगा, वर्चर में होगा, किस टाइप का होगा। हेडर हमने चेंज किया थोड़ा सा, चेंज करने के बाद मैक्स आईडी वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। यहाँ हमने कहा था कि मैक्स आईडी में जो नंबर जनरेट कर रहे हैं आप उसको किसको असाइन कर दें, आईडी को। अब आईडी तो पैरामीटर रहा ही नहीं, इसको यहाँ से हटाइए और डायरेक्ट रिटर्न, किसको रिटर्न कर दो, मैक्स आईडी। मैक्स आईडी कैसा डेटा है, नंबर टाइप का, यही रिटर्न होगा। ये कन्वर्ट हो गया एक प्रोसीजर फंक्शन के अंदर। चेंजिंग क्या हुई, वहाँ से आउट मोड हटा, आउट मोड हट के रिटर्न लग गया, और जो आउट मोड का पैरामीटर नेम था वो रिमूव होकर हमने रिटर्न क्लॉज असाइन कर दी। बाकी सारा कोड वही का वही, ठीक है, जो आप पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडियो भी हो रही है। कहते हैं कि किसी चीज़ का जो है ना होना काफ़ी नहीं होता, उसको यूटिलाइज करना ज़रूरी है। आप हैवी बुक्स लेके स्टोर करते रहें घर में, एक अच्छा सा खूबसूरत सा शेल्फ बन जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसा कि अब तक होता हुआ आ रहा है, बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्होंने ओरेकल की बुक्स की प्लास्टिक भी नहीं हटाई होंगी, ऐसा भी है। आप लोग बुक्स नहीं, हैंड आउट मिला है, हैंड आउट का भी शायद आज ही पेज ऑन हुआ होगा। वही बहुत है। यूज किया हमने न्यू अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, और आईडी के साथ ये तो ऑब्जेक्ट नेम था हमारा, और आईडी में हमने डिपार्टमेंट का नेम दिया डीपीटी। तो उसने क्या किया, डीपीटी टेबल से मैक्सिमम नंबर न्यू जनरेट करके आपको दे दिया, सही। अगेन हमने यूज किया सेलेक्ट न्यू अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, और किस टेबल से चाहिए आईडी, ईएमपी से ही चाहिए, फ्रॉम न्यू। उसने आपको ईएमपी से भी आईडी जनरेट करके दे दी। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि जी हम किसी प्रोसीजर को फंक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। दूसरा, ये जो हमने प्रोसीजर बनाया था पहला, इसमें सिर्फ रिटर्न क्लॉज थी, कोई इन मोड अवेलेबल नहीं था, और यहाँ पर इन मोड भी यूज़ हो गया क्योंकि आपने यहाँ पर टेबल नेम प्रोवाइड किया है, उसको आपने टेबल नंबर दिया इन मोड के अंदर, और उसने उसको आपको रिटर्न वैल्यू क्या दी, नंबर में, क्योंकि फंक्शन का आउट मोड नहीं होता, रिटर्न क्लॉज होती है, ठीक। फंक्शन हमेशा रिटर्न क्लॉज असाइन करता है, ठीक है। दूसरी एक और बात, अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम एक इनोमिस ब्लॉक में, हमने एक्सक्लूसिव मोड पे तो रन कर लिया, अब इनोमिस ब्लॉक में कैसे यूज करें। जी सर, अगर एक ही टेबल है तो फिर यहाँ नाम देने की ज़रूरत ही क्या है, वहाँ तो मल्टीपल थे, डायरेक्ट किया जाएगा जो हमने पहले किया था, अभी भी तो ये किया था हमने। इनोमिस ब्लॉक में कॉल करने के लिए क्यूरी की ज़रूरत नहीं है, एक टेबल था सिंगल ही है, तो यहाँ हमने पैरामीटर लिया ही नहीं था इसका, क्योंकि मालूम है कि गेट आई डी यूके अंडरस्कोर आई डी क्या करेगा, ई एम पी टेबल की आई डी जनरेट करके देगा, तो इसके लिए नेम की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल हैं तो फिर नेम देना पड़ेगा। भाई क्लास में एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, कॉल आती है स्टूडेंट को भेज दें, तो मैं क्या नाम लेके, ज़रूरी है मैं नाम लेके कहूँ उसे, एक ही स्टूडेंट बैठा है, जाइए भाई आपको बुला रहे हैं। लेकिन जब मल्टीपल हैं तो मुझे पूछना पड़ेगा मैं किसको बुलाऊँ, फिर नेम की ज़रूरत है,
अब जब वो एक ही स्टेप है, उसके अंदर कोई और टेबल ही यूज़ नहीं हो रहा, एक ही टेबल है, तो फिर नेम मेंशन करने की ज़रूरत ही क्या है, ये तो स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ अगर मैं लेता हूँ कि EMP टेबल से लेकर आओ, तो अगर EMP टेबल से आईडी ला रहा है तो क्या कोई और आईडी जनरेट कर सकता है ये कोड? कर ही नहीं सकता, तो नेम देने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, जहाँ डिफरेंट सिनेरियोज हैं, EMP भी है, DPT भी है, शायद सेल ग्रेड भी आपने इसी में क्रिएट कर रखा हो, मल्टीपल सिनेरियोज हैं, तो उनके लिए फिर आपको नेम डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आईडी चाहिए फ्रॉम EMP टेबल, आईडी फ्रॉम DPT टेबल, सेल ग्रेड या अनदर, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो हैंड टू हैंड कवर कर लिया करें उसको, कोई कन्फ्यूजन को रखें नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहते हैं ठीक है, मैं थोड़ा सा और डीप में ले जाता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम उसी पे स्टे करके पहले उसे रिकवर करेंगे, ठीक है? लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चंस वो करें जो आपको लगता है कि ये कैसा है, और एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिलावाजा क्वेश्चन आपने सर ने कह दिया तो बना बना के क्वेश्चन पेश करो, नहीं तो क्वेश्चन बना के, हाँ तो बनाने में और क्वेश्चन करने में फ़र्क है ना, इसलिए। एक हमने लिया इनॉमिस ब्लॉक, इनॉमिस ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल लिया हमने न्यू आईडी, डेटा टाइप रखा है इसका नंबर कॉलन इक्वल टू जीरो, बिगिन में आ गए, बिगिन में आने के बाद हमने कहा कि न्यू अंडरस्कोर आईडी, इसमें स्टोर करो आप, क्या स्टोर करो? न्यू अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर आईडी का फंक्शन कॉल करो, और किस टेबल के साथ? फ्रॉम EMP टेबल के साथ, और जो भी वैल्यू ये गेट करके ला के दे आपको, कॉल करेगा फंक्शन न्यू अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर आईडी किस टेबल के साथ? EMP के साथ, तो EMP की एक न्यू आईडी जनरेट कर लेगा, आईडी जनरेट करेगा, रखेगा कहां पर? ये रखेगा न्यू आईडी के अंदर, सही? कॉलिंग फंक्शन, हमारे पास एक इस तरह का प्रोसीजर भी था, ये रखा न्यू आईडी, यही प्रोसीजर था ना जिसको हमने चेंज किया था, प्रोसीजर का नाम है न्यू आईडी, पहले आप टेबल नेम देंगे और ये आउट मोड के अंदर आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको भी कॉल करते हैं, न्यू अंडरस्कोर आईडी वन किस टेबल के साथ? टेबल हमने कहा कि DPT टेबल के साथ, DPT टेबल से कॉल कर रहे हैं, कहाँ स्टोर करेगा? हमने कहा आईडी EMP अंडरस्कोर आईडी के साथ ले लो, EMP अंडरस्कोर आईडी वो सेम नेम हो गया, तो EMP NO करते हैं इसको आप, ठीक है? तो इसको मैंने कहा कि न्यू अंडरस्कोर EMP NO अंडरस्कोर आईडी, ये वेरिएबल ये होगा, ये जो फंक्शन कॉल करेगा न्यू आईडी कहाँ स्टोर करेगा? इस वेरिएबल के अंदर, और इसके लिए हमने कहा कि एक और ले लो हैं न्यू अंडरस्कोर DPT अंडरस्कोर आईडी, ये DPT की आईडी जनरेट करेगा कॉलन इक्वल टू जीरो नंबर, न्यू अंडरस्कोर DPT अंडरस्कोर आईडी वन DPT टेबल से, और कहाँ स्टोर करना है इसको? नेम कॉमन होते जा रहे हैं, न्यू अंडरस्कोर आईडी वन था ना ये, न्यू अंडरस्कोर DPT अंडरस्कोर आईडी, कॉलिंग प्रोसीजर M% ऑफ D न्यू आईडी ऑफ EMP NO की न्यू आईडी कौन सी है? वो आईडी हमारे पास होगी न्यू अंडरस्कोर EMP NO अंडरस्कोर आईडी के वेरिएबल में, और M% ऑफ D
न्यू अंडरस्कोर आईडी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर इज, और डिपार्टमेंट की आईडी किसमें होगी, न्यू अंडरस्कोर डीपीटी अंडरस्कोर आईडी के अंदर होगी, और यहां पर एंड, न्यू अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, ये क्या है, फंक्शन है, फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेगा किस टेबल के लिए, ईएमपी टेबल के लिए, और असाइन किसको कर देगा, इस वेरिएबल को, प्रोसीजर है, प्रोसीजर डीपीटी से वैल्यू जनरेट करेगा और कहां स्टोर करेगा, इस वेरिएबल के अंदर, सही। और से देखिएगा, ये दोनों को शो करने का खास मकसद मेरा ये है कि अगर आप किसी फंक्शन को इनोमिस ब्लॉक में कॉल कर रहे हैं तो उसके कॉल करने का तरीका क्या होगा और प्रोसीजर के लिए क्या होगा। जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो फंक्शन की हमेशा वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर मूव जरूर होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हो और कॉल करने से पहले आप कॉलन इक्वल टू असाइन करते हैं तो इट्स मीन ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है, क्योंकि वो कॉल करेगा और कॉल करके किसी ना किसी को वैल्यू रिटर्न कर देगा। सबसे बड़ा डिफरेंस जो उसमें मौजूद नहीं था, नहीं, अगर प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं तो प्रोसीजर अपनी वैल्यू कहीं रिटर्न नहीं करता, कॉन्सेप्ट वही है कि आउट मोड से वैल्यू रिटर्न हो जाती है, लेकिन वैल्यू रिटर्न किस फॉर्म में होगी, इस पैरामीटर के फॉर्म में होगी, इसकी वैल्यू यहां कहीं असाइन नहीं हो रही जैसे कि यह असाइन हो रही है, ठीक, वही वेरिएबल इसके पैरामीटर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जबकि फंक्शन अगर कॉल करते हैं तो फंक्शन अपनी वैल्यू कहीं पर स्टोर करवाएगा, ठीक है। ये दोनों मेथड हैं, कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग प्रोसीजर। अगर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं आप इनोमिस ब्लॉक में तो उसको कॉल करने का तरीका क्या होगा, ये होगा। अगर किसी प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो उसका मेथड क्या होगा, उसका मेथड हमारे पास, इस मेथड से हम कॉल करें। और दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस आइडेंटिफाई यही है। समटाइम ऐसा होता है कुछ कोड बिल्टन है, अब उसमें पता नहीं चलता कि इसमें फंक्शन कौन सा है, प्रोसीजर कौन सा, हमने तो नहीं बना रखा, बिल्टन है वो, पहले से बना हुआ है। तो सबसे सिंपल से आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर उसकी वैल्यू कहीं पर असाइन हो रही है इसका मतलब ये फंक्शन है, याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आता रहेगा, ये फंक्शन प्रोसीजर एंड तक चलता रहेगा। अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट होकर किसी और वेरिएबल में स्टोर हो रही है इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है, क्योंकि वैल्यू स्टोर करवा रहा है वो। और अगर इसको आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं कहीं और वैल्यू रिटर्न तो नहीं हो रही ना, इसका मतलब ये प्रोसीजर है। इसके लिए हमें वेरिएबल स्टार्ट में असाइनिंग चाहिए होगा, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो इसके पैरामीटर का ही पार्ट बनेगा। ये दोनों को कॉल करने के डिफरेंट मेथड है। लेकिन टास्क भी परफॉर्म कर रहा है नहीं? फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ने ईएमपी टेबल से नंबर जनरेट किया और स्टोर कर दिया न्यू आईडी के अंदर, न्यू अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी में, और इसको हमने यहां पर डिस्प्ले करवा लिया, ईएमपी एनओ इज दिस, तो उसने कहा कि ये नंबर आपका न्यू है। प्रोसीजर कॉल किया, प्रोसीजर ने डिपार्टमेंट टेबल से नंबर जनरेट किया और असाइन किसको कर दिया, न्यू अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी को, और वो आईडी हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर ली, तो कह रहा है कि आपकी आईडी क्या होगी, 50 होगी। तो विद इन इनोमिस ब्लॉक कॉलिंग फंक्शन एंड प्रोसीजर, और दोनों का तकरीबन रिजल्ट भी एक सा है। एक सा का मतलब वो आउट मोड से आपको रिटर्न कर रहा है वैल्यू, और फंक्शन की रिटर्न क्लॉज तो होती ही है, कॉलिंग मेथड डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, मैंने लिखा सेलेक्ट, क्या नेम था फंक्शन का, ये नेम था न्यू अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम ड्यूल, कौन सी वैल्यू है, अच्छा पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटराइज फंक्शन AMP from dual, ये वैल्यू हमारे पास आ गई।
अच्छा प्रोसीजर क्या है? न्यू आईडी, सेलेक्ट न्यू अंडरस्कोर आईडी वन। वन के लिए मैंने कहा कि किससे कॉल करो, डीपीटी से। अब आउट मोड के अंदर एक पैरामीटर के लिए वेरिएबल चाहिए, वो वेरिएबल फिल वक्त मेरे पास नहीं है, ठीक, एसक्यूएल पर मौजूद है, शायद आपको याद हो। yes, sir. कौन सा वेरिएबल है? रिजल्ट तो है, टाइप क्या है इसकी? बाइंड वेरिएबल है। तो हमने कहा कि चलें जी, हमें वेरिएबल चाहिए था आउट मोड के लिए, तो वेरिएबल हमने बाइंड क्रिएट कर लिया। प्रोसीजर नेम क्या है हमारे पास? न्यू अंडरस्कोर आईडी, न्यू अंडरस्कोर आईडी वन। किस टेबल से? डीपीटी टेबल से। कहाँ स्टोर करना है? वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर करना है। अब तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इन मोड में हमने डीपीटी दे दिया, आउट मोड के अंदर बाइंड वेरिएबल बना के दे दिया। कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसीजर जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ नहीं होगा, उसने जाकर इसको चेक किया होगा फंक्शंस के ब्लॉक में, और फंक्शंस के ब्लॉक में ये फंक्शन मौजूद नहीं है, ये तो प्रोसीजर है। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा चेंज जो डिफरेंस आपको बता रहा था वो ये, क्या आप किसी फंक्शन को सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं लेकिन किसी प्रोसीजर को नहीं कर सकते। क्लियर? किसी फंक्शन को जब भी कॉल करना हो, चाहे वो इनोमियस हो, चाहे फंक्शन टू फंक्शन हो, चाहे फंक्शन टू प्रोसीजर हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में कॉल कर रहे हो, फंक्शन को कॉल करने के लिए एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो कॉल नहीं होगा। प्रोसीजर में ज़रूरी तो है लेकिन वैल्यू इस तरह से असाइन नहीं होगी, बल्कि उसकी आउट मोड पैरामीटर में यूज़ होगी, ठीक। दोनों को कॉल करने का एट अ टाइम डिफरेंट मेथड। क्लियर हो रही बात? प्रोसीजर के हेडर में रिटर्न क्लॉज मौजूद नहीं होती, फंक्शन विदाउट रिटर्न क्लॉज क्रिएट ही नहीं होता। हमने भी फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन था हमारे पास, फंक्शन क्रिएटेड न्यू अंडरस्कोर ईएमपी आईडी। इस फंक्शन में से रिटर्न टाइप को हटा दो, यहां से हमने इसको रिटर्न को हटा दिया, क्या इसके बगैर फंक्शन क्रिएट करेगा? कह रहा है एनकाउंटेड द सिंबल इज, पहले तो ये बताएं कि इज क्या है लाइन नंबर वन पे, क्योंकि इसका सिनेरियो तो रिटर्न के बाद होना था, अब रिटर्न तो है नहीं, तो वो रिटर्न के रिप्लेसमेंट पे क्या है? इज आया हुआ, तो कह रहा है बताएं इज क्या है, यहाँ तो रिटर्न होना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद एनकाउंटर सिंबल बिगिन और उसके बाद एंड ऑफ फाइल, ये पूरे एरर्स ने शो कर दिए। चलें ठीक है, एक हमने मिस्टेक की थी उसको दोबारा रिकवर करते हैं, वापस पुट कर दिया, और पुट करने के बाद यहाँ से हमने रिटर्न टाइप इसकी रिमूव कर दिया। फंक्शन क्रिएटेड, सेलेक्ट न्यू अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। किस टेबल से चाहिए हमें? ईएमपी टेबल से चाहिए, फ्रॉम ड्यूल। कोई रिटर्न ही नहीं किया, कह रहा आपने डेटा टाइप तो बता दी नंबर, वो तो हेडर में अवेलेबल है, लेकिन फंक्शन रिटर्न विदाउट वैल्यू, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न क्लॉज ही नहीं। हालांकि प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था उसमें तो कोई पैरामीटर ही नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान प्रिंट करवाया था हमने, ना उसमें कोई रिटर्न क्लॉज थी, ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा था, कुछ भी नहीं था। फिर इंसर्ट किया तो हमने इन मोड यूज़ कर लिया, फिर जब नंबर जनरेट करवाया था आउट मोड यूज़ कर लिया, फिर एक बार हमने टेबल क्रिएट किया था जिससे एक ही वेरिएबल में इन भी हो रहा था, उसी वेरिएबल में आउट मोड भी था, लेकिन ये टोटल ऑप्शनली तो था, रिक्वायरमेंट है तो क्रिएट करें वरना नहीं करें। हमारे इनोमियस ब्लॉक के अंदर
ये हमारा इनॉमस ब्लॉक था, ये पोर्शन भी तो ऑप्शनल है। अगर वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो आप डिक्लेरेटिव ब्लॉक में जाइए, नहीं तो मत जाएं। एज इट इज अगर आपको पैरामीटराइज कोई वैल्यू इन या आउट करनी है तो प्रोसीजर के पैरामीटर दें, अदरवाइज की भी जरूरत नहीं है, नॉन पैरामीटराइज प्रोसीजर बना दें। लेकिन फंक्शन जब भी आप क्रिएट करें, अब आपको वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी रिटर्न हेडर जरूर होगा और रिटर्न की वैल्यू जरूर होगी, वो आपको रिक्वायर्ड है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों चीज़ें तो मस्ट हैं। और अगर इसके बगैर आप रन करना चाहेंगे तो वो आपको किसी भी तरह से, हमने हेडर से रिटर्न को भी हटा के देख लिया और बॉटम से फुटर से इसके रिटर्न टाइप को भी हटा के देख लिया, दोनों सूरतों में उसने आपको एरर दे दिया। इसका मतलब ये कि फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप और वैल्यू क्रिएट ही नहीं होता। ठीक, सिंपली वे में ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट से कोई रिटर्न वैल्यू चाहिए हो, आप वैल्यू गेट करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू गेटिंग के लिए सबसे अच्छा मेथड जो है वो फंक्शन है। और अगर आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, किसी भी तरह का DML परफॉर्म करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो प्रोसीजर है। ठीक, ये हमारे मेन डिफरेंस है बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। नंबर टाइप के साथ वैल्यू हमने देखी, मैक्सिमम आईडी उसने हमें जनरेट करके दे दी, अब थोड़ा वर्ड चेक के साथ काम करते हैं। जो बिल्ट इन है उनके कभी भी कोडिंग शो नहीं होती। तो वैसे मेथड नहीं है जब टैग्स शो कराते हैं इनका? नहीं, वैसे और बिल्ट इन्स का सम टाइम होता है, और होने की वजह ये नहीं होती, होने की वजह ये होती है कि 6i में कुछ बिल्ट इन नहीं थे, 9i में 10i में उनको बिल्ट इन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वो 10i में तो 10G के अंदर 9i में तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन उनको जब आप 6i पे लेके जाओगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उसका उन्होंने फिर आपको मैनुअल कोड बना के दे दिया। इस कोड से आप अपने प्रोसीजर और फंक्शन खुद जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो मैक्स है, मिनिमम मैक्सिमम, इनके लिए नहीं, ये वहाँ भी अवेलेबल थे यहाँ भी अवेलेबल, इसका कोड अवेलेबल है। कैलकुलेटर है, यूज़ करते हैं इसको, इसकी फाइल कौन सी होती है? कैल्क के नाम से होती है, calc.exe फाइल। कभी उसको ओपन करके देखा है? ओपन तो ये ओपन कर देगा वो। कभी टेक्स्ट मोड उसका चेक किया है? कभी भी नहीं होगा वो। और अगर होगा, किसी भी तरह से आपने उसको किसी भी तरह से ओपन कर लिया, तो वो कुछ इस तरह के साइन होंगे, ये साइन बने हुए आ रहे होंगे, इस तरह के कोड्स आ रहे होंगे, 10ABC, कुछ इस तरह की कोडिंग आ रही होंगी जो आपके किसी काम की नहीं है, इनक्रप्टेड फॉर्म में होगी। और जिनका कोड चाहिए हो, चाहिए का मतलब ये है कि शायद प्रीवियस वर्जन में सपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है, तो फिर उसका कोड मिल जाता है, वो भी अगर ओरेकल ने प्रोवाइड किया तो। अब करना क्या है कि फंक्शन से हम एक टेबल जनरेट करते हैं। टेबल की वजह से नंबर टाइप तो डेटा टाइप तो नंबर ही होती है, सही, लेकिन नंबर टाइप तो कब होगी? जब आप 5 का टेबल, अब ये 5 है, 5, 1, 10, 15, ये नंबर होगा, लेकिन जब आप एक टेबल जनरेट करेंगे 5 × 1, तो ये कंप्लीट जो रिजल्ट है ये एक स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा। नंबर भी है, मल्टीप्लाई का साइन भी है, यानी एक्स इज इक्वल भी है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो इसको फिर हमें करेक्टर में स्टोर करवाना पड़ेगा, ये फिर नंबर में स्टोर नहीं होगा। हमने कहा क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन टेबल अंडरस्कोर नंबर। टेबल नंबर यकीनन यूजर देगा, तो हमने कहा कि टेबल नंबर, और टेबल नंबर किस में होगा? डेटा टाइप ये नंबर में ही होगा। ठीक है, क्योंकि यूजर से हमें हर बार टेबल नंबर लेना होगा, स्टैटिक नहीं रखना इसको। रिटर्न क्या करेगा ये? वर्चर टू इस
एक वेरिएबल लिया हमने काउंटर, डेटा टाइप कैसा होगा, नंबर कॉलन इक्वल टू जीरो, बिगिन पे आ गए फॉर आई इन 1 to 10 लूप, काउंटर के अंदर स्टोर करें टी अंडरस्कोर नंबर, टी नंबर के अंदर आप टेबल नंबर देंगे, 5 की एग्जांपल ले लें, 5 है तो इसमें 5 ही स्टोर होगा, और आई के अंदर काउंटर चल रहा होगा 1 2 3 4 5, तो 5 अगर आपने दिया वो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5, फिर आई की वैल्यू 2 तो 5 2 10, 3 तो 5 3 15, ये सिनेरियो बनेगा। चलिए इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट का, डेटा टाइप कैसी होगी, वर्चर टू, लेंथ हमने इसकी 1000 ले ली, हमने कहा कि रिजल्ट में स्टोर करो आप क्या चीज, रिजल्ट की वैल्यू कॉनकेट, कौन सी टी अंडरस्कोर नंबर, कॉनकेट मल्टीप्लाई साइन, कॉनकेट आई अगेन कॉनकेट इज इक्वल टू कॉनकेट और काउंटर, कॉनकेट सी एच आर ऑफ 10, याद है रिजल्ट पहले भी किया था हमने, इस रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो, असाइन कर दो और एंड लो, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी और ये हर बार एक न्यू लाइन जनरेट करके स्टोर करता चला जाएगा रिजल्ट के अंदर, पूरी आई की वैल्यू 10 तक हो गई, इसका मतलब है टेबल कंप्लीट जनरेट होकर स्टोर हो गया वेरिएबल रिजल्ट में, जब जनरेट हो गया तो हमने कहा कि इसको आप रिटर्न कर दो रिजल्ट, क्योंकि इस वर्चर इसकी डेटा टाइप भी वर्चर थी और यहाँ रिटर्न टाइप भी वर्चर, तो आप जो रिटर्न क्लॉज यूज करेंगे वही वैल्यू रिटर्न करेगा आपको ये, क्योंकि सवाल ये है कि जी आपके पास एक वेरिएबल तो काउंटर भी है, एक रिजल्ट भी है, एक आई भी है, तो ये रिजल्ट ही क्यों देगा, तो रिजल्ट इसलिए देगा कि जिसके साथ आपने रिटर्न में जो वेरिएबल यूज किया हुआ है उसी को रिटर्न भी कर देगा। एंड फंक्शन क्रिएट, कोई प्रॉब्लम, कोडिंग सारी पुरानी है, हेडर चेंज किया हमने टू कन्वर्ट प्रोसीजर इनटू फंक्शन, सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नंबर, कौन सा टेबल चाहिए हमें, 10 का टेबल चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास क्रिएट हो गया, यही रिजल्ट हमारा इनोमस ब्लॉक में था, यही रिजल्ट हमारा प्रोसीजर्स में था, और प्रोसीजर में हमने परसेंट डी डिस्प्ले भी किया था, आउट मोड में भी यूज किया था और इन आउट में भी किया था, और उसी को हम लेकर आ गए फंक्शन में। अगर आप प्रोग्रामिंग से बिल्कुल अननोन हैं, फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग साइट पर आए हैं, तो अपना जहन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए यही बनाइएगा, एक कोड देख लें, ये कोड है हमारे पास जो टेबल जनरेट कर रहा है, पहले इसको क्रिएट करें आप इनोमिस ब्लॉक से, क्योंकि आपने इनोमिस से स्टार्टिंग ली, फिर इसको कन्वर्ट करें सिंपल प्रोसीजर में, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन इस कोड पे नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पे होनी चाहिए, इनोमिस प्रोसीजर फंक्शन ये सिनेरियो, अगर हर बार कोड चेंज करेंगे तो फिर कोड में उलझ जाएंगे, तो कोड तो एक ही रखें, आप बेफिक्र हैं, कोड तो मेरा जाना पहचाना है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस कोड के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये तो मुझे पता है, मेरी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, बस इस पे होनी चाहिए, इसको यहाँ से हटाकर आप डिक्लेयर कर दें, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है इनपुट वगैरह लेने की, इनोमिस में कन्वर्ट होगा, फिर कन्वर्ट करें प्रोसीजर में लेकिन इन मोड के साथ, फिर कन्वर्ट करें इन प्लस आउट मोड के साथ, फिर कन्वर्ट करें एक ही वेरिएबल को इन और आउट मोड के अंदर, और फिर उसे वापस कन्वर्ट कर दें फंक्शन में, तो आपका एक टॉपिक से 4 ऑब्जेक्ट कवर होंगे, 4 5, इनोमिस प्रोसीजर, प्रोसीजर में इन मोड, इन आउट मोड और इन आउट का कॉम्बिनेशन, और एक फंक्शन, जब ये कॉन्सेप्ट्स अलग अलग क्रिएट करने के हो जाएं तो फिर इसमें वैरायटी लेकर आए, अब इसको बना के देख लें किसी और वैल्यू के साथ, कोई और वैल्यू जनरेट करें, कोई नया कोड बनाएं, इस तरह से प्रैक्टिस अपनी सेल्फ लेकर आइए,
तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा बिटवीन फंक्शन प्रोसीजर्स एंड इनॉमिस ब्लॉक. कोड को इतना बहुत जल्द जल्द चेंज मत किया है, क्या करें, जल्दी चेंज करेंगे तो कोड में उलझ जाएंगे. इसी में कोई एरर आ गया तो मालूम चला फंक्शन तो आप भूल गए, इसका एरर निकालने में लग गए. अब वो फंक्शन ही आपके लिए नया ऑब्जेक्ट था, कोड का एरर एक नया प्रॉब्लम सामने आ गई. तो थोड़ा सा ये सिनेरियो आप क्रिएट करेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. जब आपकी ग्रिप हो जाए उसके ऊपर, प्रैक्टिस हो जाए तो फिर रवा हो जाए इसको. एक आपकी मोहल्ला है, गली है, वहाँ से आप रोज ही गुजरते हैं, गाड़ी लेके भी गुजरते हैं, तो वहाँ लाइट जाए, अंधेरा हो, बारिश हो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पानी भरा हो, आपको पता है कि रोड क्लियर है, मैं तो डायरेक्ट जाऊँगा. हाँ, किसी न्यू एरिया में जाएंगे तो वहाँ आप घबराएंगे, पता नहीं मेन मोहल्ला है ना इस तरह. तो उस कोड को जो है ना आप इतना ज़्यादा यूज़ करें कि उससे फैमिलियर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आप बिल्कुल आंख बंद करके यूटिलाइज कर सकें जिस तरह आपने घर मोहल्ले को यूज़ कर रहे हो. और फिर ऑब्जेक्टिव को चेंज करें. अब एक तो ड्राइविंग आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, ऊपर से गली भी नहीं है, पानी भरा हुआ है, डबल टेंशन, गाड़ी को संभालूं या ये देखूं मेन होल कहाँ पर है ना, कन्फ्यूजन डबल. तो एक वक्त में एक कन्फ्यूजन रखें, या तो मैदान में चलें, पता है बिल्कुल खाली है, सिर्फ गाड़ी ही सीखनी है, रोड का मसला नहीं है, और अगर रोड का मसला है तो गाड़ी में एक्सपर्ट होने चाहिए, है ना इस तरह. वो तो आप एक दो को मार मूर के जो ना सीख ही गए होंगे. हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग गाड़ी पहले चलाते हैं, सीखते बाद में. पाकिस्तान से बाहर सीखते पहले, चलाते बाद में. तो दो चार जगह मारेंगे, फिलिंग करवाने गए पंप के ऊपर तो वहीं उस पंप से ही लगा दी गाड़ी, होता है ना सर, कहीं नहीं लगाओगे वहाँ तो लगाओगे लाजमी. स्प्रिंग से आता है, मुझसे कहीं नहीं लगी गाड़ी, कहीं भी नहीं लगी, लेकिन जब पंप पे उसने कहा ना कुछ साइड पे लगाओ तो साइड लगाते हैं, अंदर लग गई गाड़ी, कहीं भी नहीं लगी गाड़ी, उससे गाड़ी की बॉडी पे स्क्रैचेज आ गए. अच्छा जी, अब क्या करें, ये हमारे पास वैल्यू क्रिएट हो गई, टेबल भी हमने ले लिया, ब्रेक लेंगे, चलिए ब्रेक लेंगे, लेकिन ठीक 11 o'clock पे आप वापस आ जाइए, 10 मिनट का ब्रेक है आपका.